हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो बैंकिंग मैनेजमेंट का हम यूनिट नंबर 2 करने वाले हैं। देखो, इसमें से जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो है एनपीए। एनपीए स्टैंड्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। किसके लिए स्टैंड करता है एनपीए? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जिनको एनपीए डिटेल में पढ़ना है ना, उनको हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी होगी बैंकिंग मैराथन करके। सो बैंकिंग मैराथन की प्लेलिस्ट में आप जो उसका सेकेंड वाला पार्ट है ना, उसमें 1 मिनट वीडियो आगे कर लेना। आपको एनपीए समझाया हुआ मैंने, इजिली वहां से समझ आ जाएगा अगर किसी को पढ़ना है। वरना यहाँ भी मैं वहीं से स्क्रीनशॉट्स लेके आई हूँ उसी वीडियो से, तो आपको मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार कि एनपीए होता क्या है। ठीक है, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है कि लास्ट मिनट में मैं सारा डाटा कंपाइल कर पाऊँ। सो जानते हैं कि एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। पहले उसी वीडियो के क्लिप्स देख लेते हैं जो बैंकिंग मैराथन वाली वीडियो है चैनल पे, उसके पार्ट 2 की 1 मिनट आगे करके भी आप देख सकते हो, वहां पे शायद थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो एक बार देखते हैं एनपीए मतलब। देखो, कोई भी एसेट है ना बैंक के लिए एसेट क्या है? बैंक हमें लोन देता है, तो लोन पे बैंक को पैसा मिलेगा और उस पे इंटरेस्ट पेमेंट भी मिलेगी। तो बैंक के लिए एसेट्स क्या है? लोन्स। सो लोन्स आर द एसेट्स फॉर अ बैंक, क्योंकि बैंक को उन पर इंटरेस्ट मिलता है। तो लोन बैंक के लिए ऐसी एसेट है जो कि परफॉर्मिंग एसेट्स है। सो लोन बैंक के लिए परफॉर्मिंग एसेट्स हो गई। बट जब वो एसेट परफॉर्म करना बंद कर दें, मतलब बैंक के लिए कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो हम उनको बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब है वो वाली एसेट्स, मतलब जो कि लोन्स है, वो बैंक के लिए अभी कोई इनकम जनरेट नहीं कर रही है। बट इसमें एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, मतलब उसमें जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई, इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट हो गई, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बिल डिस्काउंटेड, इन सब की जो पेमेंट है वो अभी बैंक को नहीं आ रही। तो जो ये पेमेंट ड्यू हुई है, ये मोर देन 90 डेज होनी चाहिए, तभी वो एनपीए कंसीडर किया जाएगा, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट किया जाएगा कंसीडर। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब बैंक को जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इंस्टॉलमेंट मिल रही है, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बिल डिस्काउंटेड की पेमेंट्स, किसी भी चीज की पेमेंट मिल रही है जो बैंक के लिए इनकम जनरेट कर रही है, वो ड्यू हो गई है फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। सो एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेफर टू द आउटस्टैंडिंग लोन्स, एडवांसेस इन द बोरोअर फेल टू पे द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट टू द लेंडर या टू द बैंक फॉर मोर देन 90 डेज। सो इस केस में वो लोन इन डिफॉल्ट हो जाएगा, तो वो बैलेंस शीट में एनपीए रिफ्लेक्ट होगा, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर द बैंक रिफ्लेक्ट होगा। इतना क्लियर हो गया? अब जब कोई भी लोन दे रहा है बैंक्स वगैरह, उनको चार चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। करेक्टर कैसा है बंदे का, कोलेटरल दे रहा है नहीं दे रहा, क्या कैपेसिटी है उसके पास इतनी, और क्या उसकी कंडीशंस है। सो लोन देने से पहले हमेशा ये चार चीजें देख लेनी चाहिए, चार चीज चेक कर लेनी चाहिए, करेक्टर, कोलेटरल, कैपेसिटी एंड कंडीशन। अभी नोट्स की क्लिप से दिखा रही हूँ, शायद थोड़ा सा क्लियर कम हो, बट स्टिल मैंने ट्राई किया कि आपको सारा समझ आ जाए। देखो, मैंने आपको बोला कि जो पेमेंट है वो कितने टाइम के लिए ड्यू हो रही है? 90 डेज से ज्यादा के लिए ड्यू हो रही है। बट जो वाली एसेट, वो वाली एसेट्स जिन पर रेगुलर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आ रहा है, उनको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एसेट्स। क्योंकि स्टैंडर्ड एसेट्स वो वाली एसेट्स होती हैं जिन पर रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं, रेगुलर पेमेंट्स आ रही हैं। बट अगर उन पर 90 डेज से ज्यादा ड्यू होने के कारण पेमेंट नहीं आ रही, तो वो हमारा एनपीए कहलाएंगी, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहलाएंगी। बट अगर आप सोचो यार, फार्मर्स के केस में हम कैसे कंसिडर करते हैं एनपीए? फार्मर के केस में हम ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते। तो फार्मर के केस में थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया होता है कि अगर तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं, उस केस में हम 2 क्रॉप सीजन्स को कंसीडर करते हैं जो हम पीरियड ऑफ 90 डेज लेके चलते हैं। फार्मर्स के केस में हम 90 डेज का पीरियड नहीं लेते। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं तो 2 क्रॉप सीजन्स हम टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं, और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं तो उसमें हम 1 क्रॉप सीजन को कंसीडर करते हैं। इतना याद हो गया, ये बेशक स्किप भी कर सकते हो, बट ये छोटा सा पॉइंट है, ये मेंशन कराओगे तो इफेक्टिव लगता है आंसर कि इन द केस ऑफ शॉर्ट क्रॉप 2 क्रॉप सीजन कंसीडर करते हैं, और इन द केस ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स हम 1 क्रॉप सीजन को कंसीडर करते हैं। अब आपको पता है, मैंने ये बोला कि अगर आपको रेगुलर इंस्टॉलमेंट आ रही है, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एसेट। इतना समझ आया? अब मैं आपको एक टाइमलाइन दिखा रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स की। मैंने बहुत सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, ये मैंने यहाँ पे बना दी एक टाइमलाइन। ठीक है, अब आपने आपको रेगुलर पेमेंट आती जा रही थी, बट आपने देखा पहले दिन आपको पेमेंट नहीं आई, जब ड्यू हो गया, मतलब आज आपको पेमेंट देनी थी पर आपको पेमेंट नहीं। तो पहले 30 दिन आपको अगर पेमेंट नहीं आई, आपके पहले 30 दिन जो पेमेंट ड्यू हुई है, 1 to 30 days, आप उसको डालोगे SMA 0 अकाउंट में। SMA मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 में आप मेंशन कर लोगे
यार इस बंदे की पेमेंट ड्यू थी, या बैंक वाले तो मेंशन कर लोगे ऐसे में जीरो अकाउंट में कि हाँ इस बंदे की पेमेंट आनी थी पर इसकी पेमेंट आई नहीं 30 डेज, 1 to 30 डेज के बीच में टाइम है, तो आप उसको मेंशन करके रख लोगे एस एम ए जीरो अकाउंट में। पर आप देखते हो 31 डेज हो गए, 32 डेज हो गए, अभी भी पेमेंट नहीं, तो 31 से 60 डेज के बीच में वो कौन से अकाउंट में रहेगा? एस एम ए वन अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट वन में, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो 61 डेज हो गए यार, 60 डेज तक हो गए, 90 डेज तक आप उसको डालोगे एस एम ए टू अकाउंट के बाद तक, मतलब एस एम ए टू अकाउंट में। उसके बाद 90 डेज, जब 90 डेज से जब ज्यादा हो जाएगा तो वो हमारा कहलाएगा एनपीए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्या कहलाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो 1 to 30 डेज में आप डालोगे एस एम ए जीरो अकाउंट में, 31 से 60 डेज में आप डालोगे एस एम ए वन अकाउंट में, 60 to 90 डेज में डालोगे आप एस एम ए टू अकाउंट में, और उसके बाद वो एनपी डिक्लेयर कर दोगे और वो आपका एनपी अकाउंट में चला जाएगा, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट अकाउंट में चला जाएगा। आई होप आपको थोड़ा सा बेसिक, बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो गया होगा। अब आपको पता लगा कि जब 90 डेज हो गए आप उसको एनपी अकाउंट में डाल दोगे एनपी डिक्लेयर करके, ठीक है। अब अगर 12 महीने तक आपको उस चीज की पेमेंट नहीं आती, वो चीज ड्यू रहती है, तो आप उसको बोलोगे सब स्टैंडर्ड एसेट। क्या बोलोगे? सब स्टैंडर्ड एसेट। बट अगर उसके 12 महीने बाद भी आपको पेमेंट नहीं आती तो आप उसको बोलोगे डाउटफुल एसेट, और अगर उसके बाद भी नहीं आती तो आप उसको बोलोगे लॉस एसेट, या जिसकी आप ऑडिटिंग वगैरह कराओगे। पहले 30 दिन एस एम जीरो अकाउंट में रखोगे, पहले उसके बाद अगले 60 दिनों तक आप उसको, मतलब टोटल 60 डेज तक आप एस एम ए वन अकाउंट, फिर 90 डेज तक आप एस एम ए टू अकाउंट तक, उसके बाद एनपीए डिक्लेयर कर दोगे, फिर उसके बाद अगर फिर भी 12 महीने तक पेमेंट नहीं आती आप उसको सब स्टैंडर्ड में डाल दोगे, फिर भी 12 और नेक्स्ट 12 महीने तक पेमेंट नहीं आती डाउटफुल में डाल दोगे, और अगर फिर भी पेमेंट नहीं आती तो आप लॉस एसेट बोल दोगे। इसमें एक चीज हमेशा याद रखनी है, अगर 90 डेज एक्सीड हो जाते हैं तो आप उसको डाल दोगे सब स्टैंडर्ड एसेट में, पर अगर उसके बाद पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स तो सब स्टैंडर्ड एसेट कैटेगरी में डाल दोगे, उसके बाद 12 मंथ्स से ज्यादा जब हो जाते हैं तो आप डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में डाल दोगे, देन उसके बाद आप उसको लॉस एसेट्स की कैटेगरी में डिक्लेयर कर दोगे। एक चीज समझ आई? पहले 30 दिन यहाँ पे गए, उसके बाद 31 to 60 डेज, देन 61 to 90 डेज, 90 to 12 मंथ्स, 12 मंथ से ज्यादा वो किस में चला गया? डाउटफुल में चला गया, और उसके बाद वो चला गया लॉस एसेट्स में। इतना क्लियर हो गया? यहाँ पे मैंने प्रॉपर डेफिनेशंस लिखी हुई है, एक बार इनको पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड एसेट्स कौन से होते हैं? स्टैंडर्ड एसेट्स वो वाले होते हैं जिन पे हमें रेगुलर पेमेंट्स आ रही हैं। स्टैंडर्ड एसेट्स कौन से हो गए? जिन पे कोई एरियर नहीं है, डज नॉट एक्सीड 90 डेज, जो कि प्रॉपर एसेट हैं, जो कि प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं। ये तो हो गए हमारे स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स मतलब जिन पे प्रॉपर पैसे हमें आते जा रहे हैं, ठीक है, ये कोई, ठीक है। उसके बाद सब स्टैंडर्ड्स हो गए जिनका एनपीए रिमेन है, रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, तो वो हमारे जाएंगे सब स्टैंडर्ड एसेट्स में, ठीक है। और जो मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स सब स्टैंडर्ड एसेट्स वो वाले हो गए विच रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, ठीक है। डाउटफुल एसेट्स कौन से हो गए? जो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। क्लियर हुआ? उसके बाद एक इसमें ना सबसे ज्यादा मेजर डाउट बच्चों को क्या रहता है कि उन्हें 12 मंथ्स वाला पीरियड नहीं क्लियर होता। तो हम सब स्टैंडर्ड उनको बोलेंगे जो 12 महीने तक एनपीए रहे हैं। जो 12 महीने तक एनपीए रहे हैं उनको हम बोलेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट। जो 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड रहे हैं उनको हम बोलेंगे डाउटफुल एसेट्स। आई होप आपका ये छोटा सा डाउट हमेशा बच्चों का रहता है कि वो कैसे, वो चीज क्लियर हुई होगी। यहाँ पे भी देखो डेफिनेशन पे ये चीज क्लियरली मेंशन है कि जो लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स पीरियड के लिए एनपीए रहे हैं उनको हम बोलेंगे सब स्टैंडर्ड, और जो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स उनको हम बोलेंगे डाउटफुल एसेट्स। समझ आ गया? अब इसके लिए ना प्रोविजंस बनाई जाती हैं D1, D2, D3। तो अगर अप टू 1 ईयर है उसके लिए हम 25% की प्रोविजंस बनाता है बैंक, अगर 1 to 2 ईयर के बीच में है 40% की प्रोविजन बनाता है बैंक, और मोर देन 3 ईयर्स है तो 100% की प्रोविजन बना देता है बैंक, ठीक है। उसके बाद लॉस एसेट्स आपको बता दी कि एंड में बैंक्स क्या करते हैं, उनको लॉस एसेट शो करके उनकी ऑडिटिंग वगैरह करा देते हैं। सो वेयर लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक, जब बैंक को ही कंफर्म हो जाता है भाई इसके तो पैसे आने नहीं वाले, ये तो हमारे लिए परमानेंटली लॉस है, सो बैंक क्या करता है, ऑडिटर्स बिठाता है, इंस्पेक्शन करता है और ट्राई करता है कि अगर अमाउंट होली राइट ऑफ नहीं हुई है तो उसको होली राइट ऑफ करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं मतलब रिकवरी कैसी होती है इन चीजों की, एनपीएस की रिकवरी कैसी होती है। तो जैसे आपको पता है कि जब भी कोई डेट अराइज हो जाता है उसके लिए ट्रिब्यूनल्स होती हैं, मतलब जहां पे आप जाके अपील कर सकते हो और बोल सकते हो कि एनपीए की रिकवरी करनी है, तो उनके लिए ट्रिब्यूनल्स होती हैं। तो ट्रिब्यूनल्स कौन कौन सी हैं? एक तो होती है डीआरटी,
डीआरटी क्या है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। और अगर आप यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं होते बैंक्स वगैरह, तो डीआरएटी मतलब डेट रिकवरी अपीलिएट ट्रिब्यूनल्स में जाके अपील कर सकती हैं। पर इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर आपके केसेस की अमाउंट 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा है, आप तभी जाकर वहां पर क्या कहते हैं कोर्ट्स में जाके डेट रिकवरी में जाके मांग कर सकते हो उस चीज की। और जो टोटल डीआरटीज थी वो थी 39 है, और डीआरएटीज थी 35। स्पीडी रिड्रेसल के लिए डीआरटीज एग्जिस्टेंस में आई थी 1993 में, ठीक है। अगर जब भी आप एनपीए पढ़ते हो ना, तो आपको हमेशा मेंशन करके आना चाहिए सरफरेसी एक्ट। कौन सा एक्ट? सरफरेसी एक्ट। सरफरेसी की फुल फॉर्म क्या है? सरफरेसी एक्ट 2002 है। सरफरेसी एक्ट 2002। सरफरेसी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन किनकी? ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स की एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी बोरोअर है वो डिफॉल्ट में आ गया, ठीक है, 60 डेज का आपने उसको नोटिस पीरियड भी दे दिया फिर भी, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो? उसकी जगह का पोजिशन ले सकते हो, उसको सेल कर सकते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो। तो ये चीजें आपको कंट्रोल में आ जाएंगी, ताकि आप अपना जो परफॉर्मिंग एसेट है उसको मतलब कवर करने की कोशिश कर पाओ। सो ये सरफरेसी एक्ट आया था 2002 में, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। सो अगर 60 डेज के नोटिस के बाद भी आपको बोरोअर डिफॉल्ट में ही रहता है, तो आप उसकी जगह का पोजीशन ले सकते हो, उसको सेल कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो, या लीज पे दे सकते हो उसकी प्रॉपर्टी। पर इसके ना कुछ एक्सेप्शंस हैं सरफरेसी एक्ट की, जो यहाँ पे मेंशन है कि अगर आपके जो लोन्स हैं वो सिर्फ 1 लाख तक के आउटस्टैंडिंग है, अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है, या उस बंदे ने 80% तो आपको रिकवर हो गया, सिर्फ 20% ही अमाउंट ड्यू है, उन केसेस में आप उसकी जो लैंड है उसका पोजेशन नहीं ले सकते, उसको सेल ऑफ नहीं कर सकते, उसको रेंट वगैरह पे नहीं चढ़ा सकते। अगर सिर्फ लोन 1 लाख से कम है, या वो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, या उसने 80% पे कर दिया, सिर्फ 20% रह गया, सो इन कंडीशन में आप उसकी लैंड वगैरह उनकी जगह का पोजेशन या उनकी चीजों का पोजेशन नहीं ले सकते हो। समझ आ गया? सो ये एक्ट था। पर अभी आपको पता होगा काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं। पहले क्या था, ARIs होती थी, मतलब बैड बैंक्स होती थी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती थी। बट अब उन चीजों को साइड पे रख के एक नया कंसेप्ट आया है, वो है NARCL, और NARCL का कंसेप्ट आया है, और एक और कंसेप्ट आया है IRDCL का। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम ये पढ़ने वाले हैं। अभी NARCL है क्या? NARCL है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। NACRL का काम क्या है? ये बैंक्स से NPA को बाय कर लेता है। जो भी NPA 500 करोड़ या 500 करोड़ के ऊपर के है ना, वो बैंक्स से बाय कर लेता है, और तुरंत 15% तो कैश दे देता है बैंक्स को, और बाकी 85% की सिक्योरिटी दे देता है बैंक्स को कि जब हम आपके एसेट्स को रिकवर कर लेंगे, NPAs को रिकवर कर लेंगे, उसके बाद हम आपको बचा हुआ 85% दे देंगे। सो 15% तुरंत बैंक्स को कैश दे दिया, और 85% की सिक्योरिटी दे दी कि जब हम इसको रिकवर कर लेंगे तुरंत हम आपको कैश दे देंगे, ठीक है। उसके बाद जो NACRL है ना, उसमें जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनका जो शेयर होता है, उनकी जो ऑनरशिप होती है, वो होती है 51%। सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो ऑनरशिप है, दैट इज 51%। सो NACRL का काम क्या है? NPAs को जस्ट बाय करना। बाय कौन करके रखता है? NARCL, और ये बाद में बाय करके किसको दे देता है? IRDCL। IRDCL का मतलब है काम है रिकवरी करना। अब जो रिकवरी का काम है, जो रिकवरी उसको बेचने का सारा काम करने का काम है, वो किसका है? IDRCL का। सो IDRCL एक रिकवरी कंपनी है, मतलब रिकवरी वाला काम सारा करेगी, तो सर्विस कंपनी है IRDCL। इसमें इसने बहुत सारे एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल्स हायर कर रखे होते हैं, जो कि सारा रिकवरी का काम संभालेगा। सो जितनी भी PSBs हैं वो क्या करेंगी, इसमें 49% स्टेक रखेगी। सो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनका शेयर NARCL में तो 51% है, बट IDRCL में 49% स्टेक होता है, ठीक है। अभी जो NARCL है, इसका जो प्रॉपर इसका जो काम था टोटल, इसको जो काम सौंपा गया है, वो 2 लाख करोड़ का सौंपा गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो NARCL है, वो 500 करोड़ की जो NPAs है वो बाय करेगी बैंक से, मतलब 500 करोड़ की अगर कोई NPA है तो वो NARCL बाय कर लेगी, क्योंकि बल्कि अमाउंट से तो NARCL उनके साथ डील करती है। सो इसका जो टोटल टारगेट फिलहाल के लिए रखा गया है विद द सपोर्ट ऑफ IRDCL, वो रखा गया है 2 लाख करोड़ का। सो ये इतने स्ट्रेस्ड एसेट्स एक्वायर करेगी फ्रॉम द बैंक, ठीक है। ये रेजोल्यूशन अभी पास हुआ है एनपीए को लेके। सो ये क्या करेगी, तुरंत 15% बैंक को कैश में दे देगी, और रिमेनिंग 85% का बोलेगी सिक्योरिटी रिसीट दे देगी कि जब हम बेच देंगे तो हम आपको 85% वो
पे कर देंगे। उसके बाद एनएसीआर ने बाय कर ली, अभी वो किसको सेल कर देगी, आईआरडीसीएल को, जो उनको सेल एंड जो बाकी एनपीएस है उनको सेल करने का काम किसका होगा, आईआरडीसीएल का। ठीक है, अब इनकेस आपने आप सोचो कि एनएसीएल ने एसेट्स बाय कर लिए और आईआरडी को सेल कर दिए कि आप इनको रिकवरी करो, इन केस उन एसेट्स की कोई रिकवरी नहीं हो पाती तो कोई हमारे पास बैकअप है, कोई हमें गारंटी दे रहा है, तो हम बोलेंगे कि बैड बैंक्स को अगर कोई बैड लोन्स होते हैं जिनकी रिकवरी हो ही नहीं पाती, वो प्रॉपरली लॉस में चले गए तो उनकी सेल हो ही नहीं पा रही, तो गवर्नमेंट ने कितने की हमें गारंटी दी हुई है, गवर्नमेंट ने इनको कितने की गारंटी दी हुई है, 30,600 करोड़ की गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है, विच इज वैलिड फॉर 5 ईयर्स। तो गवर्नमेंट ने 30,600 करोड़ की गारंटी दी हुई है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो एनएआरसीएल है उसको 2,00,000 करोड़ का एनपीए बाय करना है, वो वाले एनपीए जो 500 करोड़ ईच के ऊपर है। ठीक है, अभी ये जो चीजें लागू हो रही हैं ये फेज मैनर में हो रही हैं। पहले फेज में तो ये 90,000 करोड़ के बाय करेगा, उसके बाद 1,10,000 करोड़ रह गया ना, वो ये सेकेंड फेज में बाय करेगा। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एनपीएस का। ये तो आपको वैसे जो एडिशनल नई नई चीजें आई थी ये मैंने मेंशन करके बता दी, बट मेन एनपीए का मतलब है वो वाली एसेट्स जो बैंक के लिए अभी इनकम जनरेट करना बंद कर चुकी हैं, मतलब वो 90 डेज से ज्यादा ड्यू हो चुकी हैं। और हमने एक और चीज जानी कि जो एनपीएस है वो 4 कैटेगरीज की हो सकती है। वो 4 कैटेगरीज कौन सी है, 4 कैटेगरीज है, सब स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल डेट्स एंड लॉस एसेट्स। सो एनपीए को हम 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल डेट्स एंड लॉस एसेट्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अर्ली वार्निंग सिग्नल। अब बैंक्स क्या है, उनको ना अर्ली वार्निंग्स ही मिलने लग जाती हैं कि बैंक्स ये जो ये वाली एसेट्स है ना ये तो नॉन परफॉर्मिंग होने वाली हैं। ऐसे तो है नहीं कि कोई भी एनपीए ओवरनाइट हो गए लोन्स, तो बैंक्स को पहले ही सिग्नल मिलने लग जाते हैं कि ये जो एसेट्स है ये नॉन परफॉर्मिंग होने वाले हैं। सो ये प्रॉपर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है। सो ये फेलियर ऑफ बैंक्स है जो फेल हो जाते हैं कि जो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को नोटिस नहीं कर पाते, जिनकी वजह से रीपेमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं और पोटेंशियल केसेस ऑफ एनपीए आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो बैंक्स हैं उनकी कैश पोजीशन डिटोरिएट होनी स्टार्ट हो जाती है और प्रॉपर कैश मैनेजमेंट नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आती हैं, पुअर रिस्क मैनेजमेंट होता है। सो जिसकी वजह से उनकी जो करंट एसेट और सेल्स रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी है, सब कुछ डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। सो बैंक्स को पहले ही अर्ली वार्निंग सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है कि ये वाली एसेट एनपीए हो सकती है। सो बैंक्स को सारी चीजें अलर्ट वे में करनी चाहिए और वार्निंग सिग्नल्स को ध्यान से देखना चाहिए, और इसमें सिर्फ फाइनेंशियल वार्निंग फाइनेंशियल एरियाज नहीं, नॉन फाइनेंशियल एरियाज को भी ध्यान में रखना चाहिए और प्रॉपर अटेंशन पे करनी चाहिए और प्रॉपर रेमेडियल मेजर्स लेने चाहिए ताकि जो एसेट्स हैं वो एनपीए ना हो। सो बैंक्स को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले एविडेंस ऑफ लीगल एक्शन अगेंस्ट द बोरोअर्स बाय अदर क्रेडिटर्स। फॉर एग्जांपल किसी को भी लोन्स वगैरह या कुछ भी दे रहा है तो पहले से ध्यान रखे कि वो वाला जो क्रेडिटर है उसका सिबिल स्कोर वगैरह कैसा है, उसके आगे कोई और पहले कोई लीगल एक्शन तो नहीं हुआ या कोई और बोरोअर ने इससे पहले कोई लीगल एक्शन तो नहीं लिया, उसकी ट्रेड सप्लायर्स के साथ क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं, क्या उसकी रिलेशनशिप डिटोरिएट तो नहीं हो रहे, उसकी जो ट्रेड सप्लायर्स हैं उसकी स्पेक्युलेटिव टेंडेंसीज क्या है। ये कुछ कॉमन सिग्नल्स हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हैं जो पहले ही उनको आइडिया दे देता है कि एनपीए होगा बंदा या नहीं होगा। सो बेसिकली जो अर्ली इंडिकेटर्स हैं एनपीए के वो फाइनेंशियल भी होते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी होते हैं। फाइनेंशियल वार्निंग सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं, कई बार ऑपरेशनल वार्निंग सिग्नल्स मिल सकते हैं, कई बार बैंकिंग वार्निंग सिग्नल्स मिल सकते हैं। फाइनेंशियल में क्या है, राइजिंग लेवल ऑफ बैड डेट्स, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, फॉलिंग प्रॉफिट्स, उनको आइडिया लग जाता है कि एनपीए में जा सकता है तो पहले से स्टेप्स उठाना शुरू कर दे बैंक्स। उसके बाद फ्रीक्वेंट लेबर प्रॉब्लम्स, ओवरस्टॉकिंग, ये सब दिक्कत उसे पता लग जाता है कि उसके ऑपरेशंस में कमियां हैं, सो इट इज आल्सो एन इंडिकेटर। उसके बाद बैंकिंग सिग्नल्स में क्या मिल जाता है, ट्रांजेक्शन कम हो रही हैं, चेक डिसऑनर हो रहे हैं, ठीक है, ओपनिंग अकाउंट विद अदर बैंक्स, इन चीजों से आइडिया लग जाता है कि थोड़ा उस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। सो बाकी वार्निंग सिग्नल्स क्या हो सकते हैं, जैसे वो बंदा है जिसका भी हमें डाउट हो रहा है वो क्या है, सीजनल क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स हैं, शार्प इंक्रीज इन द साइज ऑफ क्रेडिट रिक्वायरमेंट, ठीक है, डिले रीएडजस्टिंग, उसके बाद स्पेकुलेटिव इन्वेंट्री परचेजेस कर रहा है, इनकंसिस्टेंट परचेजेस कर रहा है, नॉर्मल परचेजेस नहीं कर रहा, तो हमें डाउट बैंक को डाउट अराइज हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है लोन्स के उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा वो पर्सन, या मतलब वो ग्रुप ऑफ कंपनी कुछ भी लगा लो, वो मतलब हमें वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं कि ये बंदा एनपीए हो सकता है, इसकी जो मतलब ये लोन है इससे रिकवर करना मुश्किल हो सकता है। पर्सन से मतलब सिर्फ पर्सन ही कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो हम पूरी एंटिटी को कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हैं। अगर हम पहले कंपनी अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को डिटेक्ट कर लेती है तो इसका क्या फायदा होगा, ऑब्वियसली जो बोरोअर के डिफॉल्ट के चांसेस हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे।
लोन डिसबर्समेंट डिसीजन में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, एक्सपोजर ऑफ डिफॉल्टिंग बोरोअर्स कम हो जाएगा, बैंकिंग की लिक्विडिटी क्रंचेज नहीं आएंगी, प्रॉपर कैश मैनेजमेंट रहेगी, रिस्क नहीं होगा उतना ज्यादा, ठीक है, रेशियोज खराब नहीं होगी, बैंकिंग रेशियोज। सो ये सारे बहुत सारे फायदे हैं, आप मेंशन करके आ सकते हो, ठीक है। अब आपको एनपी मैनेज करना है। सो एनपी मैनेजमेंट की क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, आप एनपीए को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो एनपीएस की। सो बेसिकली अगर हम इंडियन बैंक्स की बात करें तो हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में एनपीए मैनेजमेंट समझने की कोशिश करेंगे। पहला केस, एनपीए नहीं हुआ या एनपीए बहुत कम प्रोपोर्शन में है तो आप प्रिवेंट करने की कोशिश करो। सो प्रिवेंटिव मैनेजमेंट ऑफ एनपीए हो सकता है। दूसरा, एनपीए हो गया, अब आपको सिचुएशन से बाहर निकलना है, सो क्यूरेटिव मैनेजमेंट ऑफ एनपीए हो सकता है। सो हम दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट ऑफ एनपीए एंड क्यूरेटिव मैनेजमेंट ऑफ एनपीए, ठीक है। अब हम मैनेजमेंट में सबसे पहले हमने प्रिवेंटिव करना है कि हम चाहते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ना हो, वो वाली पर्सन के साथ ही हम टाई अप करें जिनसे हमें पता है कि हमें टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट या टाइमली जो भी पेमेंट्स हैं वो मिलती रहे। सो इट इज ऑलवेज ऑलवेज सेड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। सो सबसे पहले केवाईसी करो अपने कस्टमर्स की। केवाईसी मतलब नो योर क्लाइंट, नो योर कस्टमर, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिलते हैं उनको ध्यान रखो और तभी अच्छे से एक्शन ले लो, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर आपका क्रेडिट असेसमेंट होनी चाहिए पर्सन की एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। और बैंक्स को थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए कि उनकी सारी की सारी डिपेंडेंसी ऑन इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। आपको मैंने बताया एसएमए अकाउंट वगैरह बनाते हैं तो स्पेशल मेंशन कैटेगरीज वगैरह में डालें, वॉचलिस्ट कैटेगरीज में डालें। सो दीज आर सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स जो बैंक्स अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्यूरेटिव मेजर्स क्या है, मतलब अगर इन केस एनपीए हो जाता है उसके बाद बैंक्स क्या कर सकते हैं, रीफेसमेंट ऑफ लोन्स कर सकते हैं, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है। इनकरेज कर सकते हैं कि जितने भी सिक यूनिट्स हैं वो आपस में एक्विजिशन हो जाए उनकी, ठीक है। प्रॉपर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के लिए लोक अदालत में जा सकते हैं, सरफराइसी एक्ट मैंने आपको बताया वो वाला सिक्योरिटाइजेशन एंड सरफराइसी एक्ट यूज कर सकते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज यूज कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के पास, ठीक है, और रिकवरी एक्शंस ले सकते हैं अगेंस्ट द लार्जर एनपीएस। उसके अलावा अपने एनपीएस को सोल्ड ऑफ कर सकते हैं, दूसरे बैंक के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एनपीएस का सेल कर सकते हैं टू द एनएआरसीएल, वो सब मैंने आपको बताया, वो सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अभी लास्ट टॉपिक है हमारा इस यूनिट का। अभी देखो ये लास्ट क्वेश्चन को तो ट्राई करना कि आप अटेम्प्ट नहीं करके आ रहे हो, बट स्टिल अगर इन द केस ऑफ इमरजेंसी अटेम्प्ट करना पड़ेगा तो थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए इसमें क्या है, कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल हैं, क्या रिसेंट मेजर्स हैं, लोन रिकवरी या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, एंड व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ रिवेन्यू रिकवरी एक्ट। सो मैंने आपको पहले डीआरटी समझा दिया था, जो लोन रिकवरी ट्रिब्यूनल्स या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है ये मैंने आपको बताया था 39 है, और डीआरएटी मतलब डेट रिकवरी अपीलिएट ट्रिब्यूनल्स 5 है। सो ये स्पेशल कोर्ट्स होती हैं जहां पे जाके बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी के लिए बोल सकता है, ठीक है। यूजुअली जहां पे ये जजेस होते हैं ये रिटायर्ड जजेस होते हैं हायर कोर्ट के, पर इनमें क्या है कि जो केसेस फाइल होते हैं वो 10 लाख या 10 लाख से ऊपर वाले अमाउंट के ही होते हैं, ठीक है। सो ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के बारे में है। और तो प्रोविजंस ऑफ रिवेन्यू रिकवरी एक्ट, ऑनलाइन ना जो रिवेन्यू रिकवरी एक्ट है ये एक्ट आ रहा है 1890 का। सो 1890 का जो रिवेन्यू रिकवरी एक्ट है ना इसमें मेनली लैंड के साथ रिलेटेड या प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड चीजें ही हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि रिकवरी के साथ भी आप एनएआरसीएल और आईडीसीआर वाला जो टॉपिक हमने ऊपर पढ़ा है उसी को मेंशन करके आना, क्योंकि जो ये रिवेन्यू रिकवरी की बातें हो रही है ये मेजरली एनपीए के पर्सपेक्टिव से ही हो रही है। सो हमने जो मतलब एनपीए के पर्सपेक्टिव से एनएआरसीआर एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल पढ़ा उसको ही एक्सप्लेन करके आएंगे हम। अगर हम रिवेन्यू रिकवरी एक्ट में चले गए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इसको इतना ज्यादा समझ पाना। सो थोड़ा सा जस्ट ये मेंशन कर देना कि जो रिवेन्यू रिकवरी एक्ट है ये 1890s का एक्ट है। सो इसमें क्या है कि अगर हमें रिकवरी करनी है तो हम सेल ऑफ एसेट्स कर सकते हैं, उसके साथ अटैचमेंट्स लगा सकते हैं, एजेंट्स को अपॉइंट कर सकते हैं, उनको प्रिजर्वमेंट वगैरह, ये सब चीजें ना अलग जा रही हैं, थोड़ी हमारी बैंकिंग पर्सपेक्टिव में नहीं जा रही। सो हम इनको ना कंसीडर करते हुए हम रिवेन्यू रिकवरी का जस्ट एक्ट मेंशन करके आ सकते हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के बारे में बता सकते हैं, थोड़ा सा सरफरेसी एक्ट के बारे में बता सकते हैं, ईआरसी के बारे में बता सकते हैं। उसके अलावा हमने जो ये जितना भी हमने पहले पढ़ा कि इतना 500 करोड़ ईच का एनपीए बाय करना है, 2 लाख करोड़ की है, वो सारी चीजें मेंशन करके आ सकते हो अगर इन केस आपको ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा। वरना इस यूनिट में से सबसे अच्छा क्वेश्चन एनपीए का ही बनता है, एनपीए क्या होता है और एनपीए की मैनेजमेंट कैसी होती है। तो यही क्वेश्चन हम करके आने वाले हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली पासिंग के लिए।